Hi everyone, this is Mayank Kotharia and today we are going to learn a new concept under your treasury and cash management topic. इस टॉपिक के अंदर में ये एक नया कंसेप्ट है विच इज डिराइव्ड बाय विलियम जे बमोल. इन्होंने एक कंसेप्ट डिराइव किया दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम कैश बैलेंस. मतलब इनके फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये पता चलता है कि आपका साल भर में कैश का बैलेंस कितना रहना चाहिए. सी, अगर आप ज़्यादा कैश का बैलेंस रखोगे अपने बैंक अकाउंट में तो आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खो बैठोगे कि कहीं और इन्वेस्टमेंट करके कुछ इंटरेस्ट कमाते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे पैसा पड़ा है, गल्ले में पैसा पड़ा है, तो उस पर तो इंटरेस्ट आएगा नहीं. सो ज़्यादा रखना बुरी बात है, कम रखना भी बुरी बात है. रीज़न बीइंग, कम रखोगे और कहीं शॉर्टेज आ गई कैश के तो आपके ऑपरेशंस रुक जाएंगे. सो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए ये आपको बताता है विलियम जे बमोल, और उसका फॉर्मूला ये है. ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए आपका सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू यू इंटू एस डिवाइडेड बाई पी, या आप उसको ऐसे ले लो डिनोम, ये तो कुछ भी ले सकते, 2p और डिवाइडेड बाई एस. ठीक है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया है वैसे ही हम लेते हैं. सो व्हाट इज दिस सी इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस. पी क्या होता है कि आपका पी हो गया और एक क्या है आपका एस, ये होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, या हर बार की आप ले लो कि पर ट्रांजैक्शन, हर बार एक ट्रांजेक्शन करने का कॉस्ट. दूसरा एस हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी कैश को कैरी करने का कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट फॉरगॉन. क्योंकि आप कैश का बैलेंस रखोगे इसीलिए आप इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे, तो वो खर्चा ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक खर्चा. विलियम जे बमोल ये बोलता है कि ऑप्टिमम कैश लेवल एक वो कैश लेवल होता है जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन का खर्चा और कैरिंग कॉस्ट का खर्चा कम होता है. यानी व्हाट इट व्हाई इट हैज़ बीन डिराइव व्हाई इट हैज़ बीन डिराइव्ड इज़ टू लोअर योर एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने के लिए और आपकी कैरिंग कॉस्ट कम करने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप जाते हैं तो आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस मिलेगा जो थ्रू आउट द ईयर आप मेंटेन करके रख सकते हो. सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन करो. हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें एक कंसेप्ट हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है. उसमें हम लेते हैं कि अच्छा, हमने यू नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ पे यू हो गया आपका कि एनुअल या मंथली जैसा भी हो कैश डिसबर्समेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, कितना पेमेंट करना होता है साल भर में या मंथली. अच्छा, जो हमारा वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो कुछ ऐसा फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन. हम यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है पर ट्रांजैक्शन, और हम यहाँ पे लेते हैं कैरिंग कॉस्ट कितनी होती है, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट कितनी होती है. सेम चीज़ ही है, सेम फार्मूला है दोनों के दोनों. ये कैश से रिलेटेड है तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, वहाँ क्वांटिटी से रिलेटेड है तो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आती है. सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन कर लो ये वाला चीज़. आपको इतना बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपने आप याद हो जाएगा. उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को उन क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं. बाय बाय.